हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल IFL एकेडमी। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर इज नथिंग बट इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद The study of the structure of the atom। कहने का मतलब ये है कि ये physical chemistry की वो branch है जिसमें हम atom के structure के बारे में detail में सीखते हैं और पढ़ते हैं। चलिए start करते हैं। सबसे पहले इस chapter में हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं उनके बारे में थोड़ा सा introduction हो जाए। जैसे कि इस वीडियो में हमें पढ़ना है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, उसके बाद में पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट इज इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट ने यह सोचा कि एटम में आखिर इनका अरेंजमेंट कैसा होता है। तो अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स होगा। इसके लिए कई सारे मॉडल्स जो है डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए, जिसमें आप पढ़ेंगे थॉमसन्स मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल, बोहर्स मॉडल एंड वेव मैकेनिकल मॉडल। चलिए ये मॉडल्स पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी एक ब्रीफ हिस्ट्री जान लेते हैं कि एटम क्या होता है। तो जैसे कि आप कहीं घूमने के लिए निकलते हैं तो आप देखते हैं कि एक मकान बहुत खूबसूरत बना हुआ है, तो आपके दिमाग में ये बात ट्रिगर करती है कि आखिर इस खूबसूरत मकान को बनाने में कोई बेसिक यूनिट कौन सी इस्तेमाल हुई। तो हम सभी जानते हैं किसी भी मकान को बनाने में जो बेसिक यूनिट इस्तेमाल होती है उसको हम ब्रिक कहते हैं। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? ब्रिक हो गई। ऐसे ही अगर आप किसी ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो आपको बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है कि एवरी ह्यूमन बॉडी इज मेड विद अ यूनिट सेल। एक एक यूनिट सेल मिल करके एक ह्यूमन बॉडी को कंस्ट्रक्ट करते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आपने लड्डू तो खाए ही होंगे, बहुत डिलीशियस होते हैं। तो लड्डू में आपने देखा होगा कि जब हलवाई लड्डू बनाता है तो सबसे पहले उसकी बूंदी बनाता है, तो एक एक बूंदी मिल करके फिर उससे लड्डू बनते हैं। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम अपना दिमाग लगाएं तो दुनिया भर में डिफरेंट टाइप के मैटर्स अवेलेबल हैं, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे गैसियस फॉर्म में हो। तो हमारे दिमाग में एक बात ये आती है कि ये जितने भी मैटर्स हमारे चारों तरफ अवेलेबल हैं इसकी बेसिक यूनिट क्या होगी, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एटम की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हमारे प्राचीन काल के विद्वान हुए हैं जिनका नाम था महर्षि कणाद, इन्होंने मैटर को एक टाइनिएस्ट पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ माना है। उसके बाद में कुछ ग्रीक फिलोसफर्स आए जिनमें से डेमोक्राइटस और इनके उस्ताद ल्यूसिपस मेन थे। इन्होंने भी मैटर को एक एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ माना है, और ये जो वर्ड एटम है इन्होंने ग्रीक लैंग्वेज से डेराइव किया हुआ है। चलिए इसके बाद इनकी फिलॉसफीज के बाद आते हैं हमारे मशहूर साइंटिस्ट जॉन डाल्टन। इन्होंने 1808 में अपनी एटॉमिक थ्योरी पब्लिश की, जिसके मुताबिक इन्होंने एटम के इंडिविजिबिलिटी के बारे में बात की। इसके बारे में इस लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो प्रेजेंट टाइम में एटम की जो डेफिनेशंस दी गई है वो क्या एक्सेप्टेबल है। वो ये है कि एटम इज द स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल और यूनिट ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन एंड मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कहने का मतलब ये है कि मैटर में जो एटम्स होते हैं
वो एक इंडिविजिबल स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और डिपेंड करता है कि किस टाइप के एटम्स हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे या नहीं भी कर सकते हैं। ये जो वर्ड एटम था, इसको सबसे पहले जॉन डाल्टन ने इस्तेमाल किया था, तो उन्हीं के नाम के बेसिस पे उन्होंने ही इसको एटम नाम दिया। अब इस फिगर में आप एटम का स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये आपको न्यूक्लियस दे रखा है और उसके अराउंड आपको इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे थे। चलिए अब इसमें एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं। एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स में जो मेन है वो है आपके इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब इनका एटम के अंदर अरेंजमेंट कैसा होता है, एक फिगर के जरिए से हम देख लेते हैं कि ये जो आपको ब्लैक कलर का सर्कल दिख रहा है, ये पूरा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर आपको P प्लस ये प्रोटॉन दिख रहा है और N जो है न्यूट्रॉन दिख रहा है। ये एक दूसरे में कंबाइंड होते हैं और न्यूक्लियस में रहते हैं। उसके बाद में आपको जो ये दूसरे सर्कल्स दिख रहे हैं, जैसे कि एक ये सर्कल दिख रहा है आपको, एक ये सर्कल दिख रहा है, इनको हम कहते हैं ऑर्बिट्स, इनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं। और इसमें जो ई माइनस दिख रहा है इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, 3D स्पेस में एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू दियर एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल जितना ही कम होता है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के उतना ही नज़दीक पाए जाते हैं, और एनर्जी लेवल जितना हाई होता है इलेक्ट्रॉन का वो न्यूक्लियस से उतनी दूर ऑर्बिट में लगातार रिवॉल्व करते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहे हैं। आपको एक गोल्डन कलर की जो बिग बॉल सी दिख रही है, ये है न्यूक्लियस, और जो ये रिंग्स बने हुए हैं इन रिंग्स को हम कहते हैं ऑर्बिट। और ये बॉल्स जो लगातार रिवॉल्व कर रही हैं बिना रुके थके हुए, इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से एक एटम के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी में आप टेबल में देख सकते हैं कि इसकी डिस्कवरी की बात की गई है, सिंबल की बात की गई है, नेचर की बात की गई है, रिलेटिव चार्ज, एब्सोल्यूट चार्ज, रिलेटिव मास एंड एब्सोल्यूट मास। जैसा कि हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी की थी वो जे थॉमसन ने की थी। इसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये नेचर में नेगेटिवली चार्ज होते हैं, रिलेटिव चार्ज इनका -1 होता है, और एब्सोल्यूट चार्ज जो न्यूमेरिकल में आप इस्तेमाल करेंगे वो होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम। कूलॉम एक बड़ी यूनिट होती है, इसके बारे में आप फिजिक्स में पढ़ भी सकते हैं। हमारा फिजिक्स का एक लेक्चर पढ़ा हुआ है जिसमें एक कूलॉम की डेफिनेशन बताई गई है, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो वहां पे आप जाकर के कूलॉम के बारे में, एक कूलॉम के बारे में आप आसानी से जान सकते हैं कि कितनी बड़ी यूनिट होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके रिलेटिव मास के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखा हुआ पा रहे हैं कि जो रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 1/1837 है। कहने का सेंस ये है, इसको कंपेयर किया गया है प्रोटॉन के मास से। यानी अगर हम एक प्रोटॉन का मास ले लें, वन प्रोटॉन का मास अगर हम ले लें, तो एक प्रोटॉन का मास जो होगा वो 1837 इलेक्ट्रॉन्स के मास के इक्वल होगा। तो इस वजह से ये आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन के मास से कितना भारी होता है। अब जो इसका एब्सोल्यूट मास जो कैलकुलेट किया गया है प्रैक्टिकली, वो है 9.1 × 10⁻²⁸ ग्राम में है। हो सकता है कहीं पे आपको
ये भी लिखा मिल जाए, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। तो ये दोनों वैल्यूज सही हैं, एक को ग्राम में लिखा गया है, दूसरे को किलोग्राम में लिखा गया है। चलिए दूसरे फंडामेंटल पार्टिकल की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है प्रोटॉन। इसकी खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी, इसको स्मॉल पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये नेचर में पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, प्लस वन इस पे चार्ज होता है, रिलेटिव चार्ज जो होता है वो प्लस वन होता है, और जो एब्सोल्यूट चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के ही बराबर होता है। बस नेचर में इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव होते हैं। रिलेटिव मास की बात करें तो ये वन होता है, और इनके एब्सोल्यूट मास जो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24। इसको आप केजी में अगर बदलें तो 1.6 समथिंग एंड 10 टू द पावर माइनस 27 केजी कह सकते हैं। चलिए ये तो रही प्रोटॉन की बात, अब देखते हैं न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी थी जेम्स चैडविक ने की थी, इसको एन से डिनोट किया जाता है। और स्टूडेंट्स इस पे कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं होता है, तो इसलिए इस पार्टिकल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहा जाता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने की वजह से इस पे ना तो रिलेटिव चार्ज होता है ना ही एब्सोल्यूट चार्ज होता है। रिलेटिव मास की बात करें तो रिलेटिव मास होता है 1, और एब्सोल्यूट मास जो होता है वो होता है 1.6748 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, यानी 1.6748 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। तो होपफुली कि आप लोगों को ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स थे इनके बारे में समझ में आया होगा। इस पूरी टेबल को आप लर्न कर सकते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स में इनका यूज़ होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस को। जो पहला क्वेश्चन हमने दे रखा है उसमें हमने ये कहा है कि द वैल्यू ऑफ ई अपॉन एम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वॉज मेजर्ड बाई, यहाँ पर जो हमने ई लिया हुआ है, ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो m लिया हुआ है वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब पूछा जा रहा है कि e अपॉन m की वैल्यू किसने कैलकुलेट की थी। तो इसका इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिसका जो आंसर है वो मिलिकन है। मिलिकन के बारे में आप पढ़ सकते हैं कि इन्होंने किस तरीके से चार्ज अपॉन मास की खोज की थी इलेक्ट्रॉन के। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज द ऑर्डर ऑफ, यानी न्यूट्रॉन का मास किस ऑर्डर का होता है। अभी हमने आपको टेबल में बताया था कि 1.6748 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी के ऑर्डर का होता है। तो इसका आंसर क्या हुआ, डी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द आइडिया दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन वॉज दैट। तो इसमें आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वर लेस देन दे शुड बी, बी ऑप्शन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वर लेस देन दे शुड बी, सी ऑप्शन कह रहा है मास ऑफ द एटम वॉज लेस देन इट शुड बी, और जो फोर्थ ऑप्शन है इट वाज अ चांस डिस्कवरी। तो स्टूडेंट्स इसका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है वो है सी, कि मास ऑफ द एटम वाज लेस देन इट शुड बी। सो लेट्स मूव फर्दर। अब हम पढ़ते हैं इसका मेन जो टॉपिक है इस चैप्टर का, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने फिलॉसफीज वगैरह जो हमने अभी हिस्ट्री ऑफ एटम के बारे में बताया, जिसमें महर्षि कणाद थे, डेमोक्राइटस थे, एरिस्टोटल थे, और कई सारे फिलॉसफर्स ने अपनी फिलॉसफी दी। उसके बारे में स्टडी करने के बाद इन्होंने अपने कुछ पोस्टुलेट्स रखे, उन पोस्टुलेट्स को हम इस स्लाइड में पढ़ने वाले हैं।
जिसमें आपका पहला इन्होंने पोस्टुलेट ये दिया, बेसिकली इन्होंने एटम के इंडिविजिबिलिटी के बारे में बात की थी। तो पहला इनका पोस्टुलेट यही था कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, यानी एटम्स यानी मैटर वो चीज़ है जो एक्सट्रीमली स्मॉल और इंडिविजिबल पार्टिकल से मिल करके बना होता है। इनका जो दूसरा पोस्टुलेट था वो ये था कि सेम सब्सटेंस जो होते हैं, सेम सब्सटेंस के एटम्स जो होते हैं वो हर एक रेस्पेक्ट में आइडेंटिकल होते हैं, चाहे आप साइज की बात करें, शेप की बात करें, मास की बात करें, या इनकी अदर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें। ठीक है, तो इनका जो अगला पोस्टुलेट था वो स्टूडेंट्स ये था कि इन्होंने इसके दूसरे पोस्टुलेट के जस्ट अपोजिट बात की कि अगर आप डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस ले रहे हैं तो जो एटम्स भी होंगे वो हर एक रेस्पेक्ट में डिफरेंट होंगे। जैसे इन्होंने बात की साइज की, शेप की, या केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो ये था इनका तीसरा पोस्टुलेट। चौथा पोस्टुलेट इनका ये है कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में कंबाइन इन अ सिंपल रेशियो एंड फॉर्म कंपाउंड्स। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई एग्जाम्पल लें, जैसे कि हम ले रहे हैं कि 2 Mg + O2, तो इनकी जब रिएक्शन होगी तो 2 Mg O बनेगा। तो यहाँ पे जो MgO बना तो इनका जो सिंपल रेशियो है वो 1:1 है। तो इसमें आप कोई भी पार्ट आप फ्रैक्शन में नहीं पाएंगे, यानी 1 एक कंप्लीट नंबर है, दूसरा 1 एक कंप्लीट नंबर है। ऐसे ही अगर आप H2O में देखें तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिल करके क्या एक सिंपल रेशियो बना रहे हैं। इसमें दोनों नंबर्स क्या हैं, आपके इंटीजर्स हैं, कोई फ्रैक्शनल नंबर नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगला इनका पोस्टुलेट क्या है। अगले पोस्टुलेट के हिसाब से इन्होंने ये कहा कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, दैट इज एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल। यानी एटम को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है यानी बनाया जा सकता है, और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। इनडायरेक्टली वो एटम के इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं क्या इनके ये गिवन पॉस्टुलेट्स टाइम के साथ फॉलो किए गए या उनमें कुछ तब्दीलियां आई या गलत पाए गए। तो अगली स्लाइड में देखते हैं कि इनके जो पॉस्टुलेट्स थे वो किन्हीं रीजन की वजह से, ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एंड स्टडीज, इनके पॉस्टुलेट्स फेल हो गए। तो उनके रीजन हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि इन्होंने पहले पहला पॉस्टुलेट दिया था कि एटम कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, यानी इंडिविजिबिलिटी के बारे में जो बात कर रहे थे तो वो फेल हो गया, क्योंकि आप अब हम मॉडर्न जो एटॉमिक थ्योरी है उसमें हम ये जान चुके हैं कि एटम जो है फर्दर सब डिवाइड हो सकता है, किनमें, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में। तो पहला पॉस्टुलेट इनका फेल हो गया। चलिए दूसरे पॉस्टुलेट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें इन्होंने बात की थी कि सेम सब्सटेंस के जो एटम्स होते हैं वो हर एक रेस्पेक्ट में क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये भी पॉस्टुलेट इनका गलत साबित हुआ, क्योंकि जैसे जैसे स्टडीज बढ़ती गई हमें आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स वो एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि सेम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो सक सॉरी एटॉमिक मास डिफरेंट हो सकता है, ये आइसोटोप्स कहलाते हैं। जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं कि कुछ हमने एलिमेंट्स ले रखे हैं और आइसोटोप्स ले रखे हैं। तो एलिमेंट्स में जैसे हाइड्रोजन को H1, H2, H3, H1 को हम प्रोटियम कहते हैं, H2 को ड्यूटीरियम कहते हैं और H3 को ट्राइटियम कहते हैं। तो अगर आपसे कोई कहता है कि आप सिंपल वाटर लेकर के आइए तो
आप ये समझ जाते हैं कि ये H2O की बात कर रहा है। अगर आपसे कोई कहता है कि हैवी वाटर लेकर के आइए, हैवी वाटर, तो आप समझ जाते हैं कि ये D2O की बात कर रहा है। H2 को D से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसको ड्यूटीरियम नाम दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे पॉस्टुलेट्स का जो एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। जो दूसरा पॉस्टुलेट इन्होंने ये दिया था कि डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ये भी पॉस्टुलेट इनका गलत साबित हुआ, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, फर्दर स्टडीज हुई, तो हमने आइसोबार्स के बारे में पढ़ा। आइसोबार्स, आप जानते हैं कि आइसोबार्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका अटोमिक नंबर तो डिफरेंट होता है लेकिन अटोमिक मास लगभग सेम होता है। जैसे कि कैल्शियम का आप अटोमिक मास देख सकते हैं, Ca40amu होता है। इसी तरीके से आर्गन के बारे में आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं, उसका भी जो अटोमिक मास होता है 40amu होता है। तो यहाँ से इन आइसोबार्स की खोज होने की वजह से क्या हुआ, इनका जो तीसरा पोस्टुलेट जो था वो भी फेल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो इन्होंने बात की थी कि जो एटम्स है वो सिंपल रेशियो में कंबाइंड होते हैं, ये पोस्टुलेट भी इनका फेल हो गया, क्योंकि आपने शुगर के बारे में पढ़ा होगा। शुगर, इसको क्या बोलते हैं, C12H22O11, ठीक है। तो इसका अगर सिंपल रेशियो अगर निकाला जाए तो ये जो निकल के आता है 1.09:2:1। यहाँ पे 1 तो एक आपका कंप्लीट नंबर है, 2 भी कंप्लीट नंबर है, लेकिन 1.09 आपका एक क्या है, फ्रैक्शनल नंबर है। तो कहने का सेंस ये है कि जो पोस्टुलेट इन्होंने दिया था कि सिंपल रेशियो में ही जो है एटम्स कंबाइन होते हैं, ये भी इनका गलत साबित हुआ। इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जो आप पढ़ेंगे कि हम 0.93O नाम का एक कंपाउंड पाया गया, Fe0.95O नाम का एक कंपाउंड पाया गया, और Ni0.98O नाम का एक कंपाउंड पाया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका अगर सिंपल रेशियो निकालें तो आएगा 0.93:1 या 0.95:1 और 0.98:1। कहने का सेंस बिल्कुल वैसा ही है कि 1 तो आपका एक कंप्लीट नंबर है, लेकिन ये 0.93, 0.95, 0.98 ये कंप्लीट नंबर नहीं है। तो इन कुछ कंपाउंड्स की खोज होने के बाद इनका जो ये पोस्टुलेट गिवन था वो भी क्या हुआ, गलत साबित हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने क्या कहा, आगे इन्होंने एटम के इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी के बारे में बात की थी कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है, यानी एटम को दूसरे एटम्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। तो हम आज ये जान चुके हैं कि आर्टिफिशियल जो रेडियो एक्टिविटी होती है उसमें हम क्या कर सकते हैं कि एक एटम को दूसरे एटम में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि आपने यूरेनियम का नाम सुना होगा, यूरेनियम, इसको यू से डिनोट करते हैं, जिसका अटोमिक नंबर 92 होता है और अटोमिक वेट 238 होता है। इसको जो है आप आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के थ्रू थोरियम में बदल सकते हैं, जिसका अटोमिक नंबर 90 होता है और अटोमिक मास जो होता है वो 234 होता है, ठीक है, और प्लस 2He4 इलेक्ट्रॉन। ये पूरी कंप्लीट रिएक्शन है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यूरेनियम जो है किस तरीके से थोरियम में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के इन्होंने जितने पोस्टुलेट्स दिए थे वो सारे पोस्टुलेट्स
फेल हो गए। तो अब हमें बात यह करनी है, क्या इनकी थ्योरी से हमें कोई फायदा हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि इनके सारे पोस्टुलेट्स तो फेल हो गए, फिर हम इसको पढ़ते क्यों हैं? इसके कुछ फायदे भी हैं, चलिए इनकी थ्योरी के कुछ फायदे भी देखते हैं कि मेरिट्स ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। देखिए, कोई भी खोज हो, जरूरी नहीं है कि उसमें सारे के सारे जो है नुकसान ही हो, उसके कुछ फायदे भी होते हैं। ऑल्दो कि उनकी सारे पॉस्टुलेट्स फेल हो गए, लेकिन साइंटिस्ट ने उनकी थ्योरी के जरिए से कुछ लॉस भी सीखे जो बिल्कुल करेक्ट आ रहे थे। जैसे आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ठीक है, ये दोनों क्या हुए, इनके लॉ से वायोलेट नहीं हुए। यानी इनके लॉ को पढ़ करके आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा जो इनकी थ्योरी का फायदा था वो ये था कि इसकी थ्योरी के जरिए से आप जो है एलिमेंट्स और कंपाउंड में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस होते हैं, यानी कि सेम टाइप के एलिमेंट से मिलकर के बने होते हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से मिलकर के बने होते हैं, जो एक फिक्स्ड रेशियो में, एटम के एक फिक्स रेशियो में कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मॉडर्न अटोमिक थ्योरी, यानी इनके डॉल्टन के अटोमिक थ्योरी मॉडल के फेल होने के बाद मॉडर्न अटोमिक थ्योरी जो अभी तक हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसके पॉस्टुलेट्स क्या हैं। उसका पहला पॉस्टुलेट यह है कि एटम्स आर डिसोल्युबल इनटू प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। यानी एटम को हम फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में। दूसरा पॉस्टुलेट इस थ्योरी का ये है कि एटम्स ऑफ सिमिलर कंपोनेंट हैव वेरियस सब्सटेंसेस, सच पार्टिकल्स आर आइसोटोप्स। जैसा कि मैंने अभी बताया, मॉडर्न डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के जो फेल होने के जो रिजल्ट थे उसमें आइसोटोप्स के बारे में पूरी हमने टेबल बना रखी है। उसके बाद में जो तीसरा पॉइंट है, वो तीसरा पॉइंट ये है कि एटम्स ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, सच पार्टिकल्स आर आइसोबार्स, ठीक है। तो इसके बारे में भी हमने डिटेल में बात कर रखी है, आइसोबार्स क्या होते हैं। उसके बाद में अगला पॉस्टुलेट मॉडर्न थ्योरी का ये है कि एटम्स कैन कंसोलिडेट इन एनी प्रपोर्शन एंड नॉट सिंपली एंटायर नंबर्स, जिसका अभी हमने पिछले स्लाइड में ही बताया कि एटम्स जो होते हैं, ठीक है, तो वो सिंपल रेशियो में भी क्या होते हैं, 1:2 टाइप में भी हो सकते हैं, और किसी फ्रैक्शन और एक कंप्लीट नंबर के रेशियो में क्या हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूट हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है C12 H22O11, जिसका रेशियो आप निकालेंगे तो 1.09:2:1 निकलेगा, ठीक है। और चाहे आप H2O का ले लें, इसमें आपको कंप्लीट नंबर का रेशियो मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है वो दोनों टाइप से क्या है, इस दोनों टाइप को वायोलेट कर रही है, सॉरी, दोनों दोनों टाइप्स को अलाउ कर रही है। उसके बाद में जो चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन ये है कि एटम कैन कंसोलिडेट इन एनी प्रपोर्शन, सॉरी, अगला जो है आपका, एटम्स कैन बी एनहाइलेटेड, एनी हाइलेटेड एंड चेंज्ड ओवर इनटू एनर्जी। जैसा कि हमने आपको लास्ट पोस्टुलेट उसमें बताया था, मॉडर्न सॉरी डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का जो फेलियर का जो रिजल्ट था, जिसमें हमने यूरेनियम को थोरियम में कन्वर्ट करके देखा था, तो उसमें 2HE4, ठीक है, ये एनर्जी जो है क्या है, अल्फा की फॉर्म में रिलीज हो रही थी। तो कुल मिला करके जो अब हम जो फॉलो करते हैं वो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी को फॉलो करते हैं। इसी के साथ हम विदा लेते हैं
और हम मिलेंगे अगली स्लाइड में, इस लेक्चर के बचे हुए टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। बस इस लेक्चर से हमें यही गुजारिश है कि आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच।